हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है और आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो खास ये होने वाला है, तो चलो बताती हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ, सुबह का टाइम है, करीब बज रहे हैं 9:30। 9:30 हुई थी तब मैं बाहर आई थी, तो अब थोड़े ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग ये खास होने वाला है क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। तो आप सब मुझे बधाई दे सकते हो दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सभी घर वाले मेरी खुशी में शामिल भी होंगे, वो हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, हम ना मीडियम परिवार से हैं, मीडियम फैमिली परिवार से हैं, तो छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करते रहते हैं हम, मुस्कुराते रहते हैं। तो हम बस उसी खुशी को आज इंजॉय करेंगे और आप सभी अपना आशीर्वाद प्यार दीजिएगा हमको, ठीक है? तो इधर बच्चों को नितारक पापा रख रहे हैं और हम अपने काम में व्यस्त थे सुबह से, घर का जो भी काम था बच्चों को रख रहे हैं। चार दोस्तों, आधे को बच्चों को रखने में ड्यूटी लगी है क्योंकि पापा और जीजी मार्केट गए हुए हैं, तो आज तो सभी खेलों के जन्मदिन की तैयारी में लगे हुए हैं दोस्तों। तो आप भी खेलों को बधाई दे सकते हो मेरे भाइयों। और आज तो अभी तो दोस्तों मैंने सब्जी नहीं बनाई है, ये बच्चों को रख रहे हैं क्योंकि रह नहीं रहे हैं ना बच्चे, इसलिए। और इधर हमारा रॉकी बैठा है, रॉकी। क्या हो गो? इधर कभी तो बना रही रोटी चूल्हे की, अभी सब्जी नहीं बनाई है। हाँ, सब्जी बनाएंगे हम। और इधर बच्ची खा रही आटा। दोस्तों, आज इसका बर्थडे है तो ये बहुत ज्यादा खुश हो रही है, पहली बार बर्थडे मना रहे हैं इसके हमारे भाई साहब। तो आज ये केक काटने वाली है, तो आप लोग देखना कैसे केक काटेगी, नेक्स्ट वीडियो में होगा। खाना खा लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी, चूल्हे की रोटी, चूल्हे की सब्जी। हाँ, बनाएंगे सब्जी। अब चलते हैं अंदर, तो मैं बनाऊंगी, तो बनाने वाली हूँ मैं सब्जी, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, जब से बच्चों को में लग रहे थे कभी किसी को फड़ाने के लिए कभी। दोस्तों, अब हो गया, 1:30 बज गए हैं, अब जा रहे हैं हम मार्केट। तो अभी हम देखो, हमारी कभी तो नारी है, कोई तो जा रहे केक खरीदने के लिए, राज हो रहा खुद ही जा रही है गाड़ी चला के। तो आप जा रहे हैं मार्केट, बाजार से सामान खरीद के लाएंगे और सभी कविता का मन है केक खाने का। तो अब केक लेने जा रहे हैं मार्केट, सामान लेके आएंगे वहां से। और नीता पापा भी जूते पहन रहे हैं, वो आ गए हैं यहाँ पे हमारा गेट है ये। तो निकल गए, अब हम भी आ जाते हैं बाहर। तो यहाँ से लेंगे सामान, यहीं से लेगा। तो यहाँ से आए हम सामान लेने बर्थडे का। आगे हम दुकान पे, जिस वजह से केक लेने आए, सामान लेने, खेलों को जन्मदिन है इसलिए केक लेने हैं और भी जो भी सामान है। तो यहाँ पे केक देख रहे हैं, अभी भैया से दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, ये देखो, ये केक छाट रहे हैं अभी, तो कौन सा ले अभी डिसाइड नहीं किया है। खेलो इसलिए आई है, क्यों कह रही थी कि मैं मेरे हिसाब से लेने वाली हूँ। तो भैया जी अभी और निकाल गए, यूट्यूब पे यार अपना थोड़ा चैनल है, ये 360 और ये 300 और ये 3 चीज केक, ये सबसे बढ़िया खाने में बटर स्कॉच केक मिले और आइसक्रीम सबसे ज़्यादा बटर स्कॉच। तो अभी ले जाएंगे तो फिर गलत ना जाएगा, फ्रिज में रखना पड़ेगा। फ्रिज है तो हाँ, 5 दिन रख। ये लिया है मिल्क केक घर वालों के लिए। और इधर बच्चों को, नितारा को बेसन के लड्डू पसंद है तो उसके लिए बेसन के लड्डू लिए हैं। लो कर दो, ये भैया की वाइफ है।
खरीद लिया हमने। माई बोल रही है कैसे थाली बैठी हो। हेलो कर तुम्हारी हेलो ठीक है माई बाय। कब जा रहे हो सामान लेकर। माई राम राम कर रही है। बाजार में आई हूँ तो यहाँ से ले रहे हैं सेब। चारों तरफ दुकान ही दुकान है। अमरूद 2 किलो 50 का दे रहा है। ये सारा सामान यहाँ रख दिया था जो अब ले रहे हैं। दुकान पे छोड़ दिया था क्योंकि कुछ सामान लेके आए थे हम लोग तो अब जा रहे हैं घर। तो आज देखो हमसे कितनी दूर से मिलने के लिए कोई आया है। सब बताना। तो हमसे मिलने के लिए बहुत दूर से दीदी आई है। भैया भी आए तो मैं उनसे मिलाऊंगी आपको। तो अभी तो सिर्फ उनको पानी पिलाया। देखो कुछ खातरदारी नहीं की हमने। तो बच्चे के संग बहुत मतलब बहुत टाइम से बोल रही थी दीदी बहुत मुश्किल से आए। तो ये भैया जी है। भैया जी हेलो करो। हेलो। भैया जी की गुड़िया है एक छोटी सी। ये गुड़िया है तो तीनों बच्चों को लेके आए। देखो कितनी मुश्किल से आए मैंने। हेलो गुड़िया आए हो ना आप हमसे मिलने। और ये बाबू है इनका। और देखो हम मिलाते हैं दीदी से। तो ये दीदी आई है हमसे मिलने के लिए। कितनी दूर से आए दीदी आप। कितनी दूर है यहाँ से। इंडोन के पास से आए हो ना। हाँ तो ये इंडोन के पास से आए। इंडोन पता है बहुत दूर हो जाता है। कम से कम 3-4 घंटा तो जाने में लग जाते हैं आने जाने में। तो ये बहुत दूर से आए भाई। इतनी दूर से मिलने के लिए आए हमसे तो बहुत खुश है। हाँ हमें तो बहुत खुशी हो रही है सभी को देखकर। तो अभी तो दीदी के लिए दोस्तों पूरी तरह तैयारियां चालू हो गई है। और अब ये बैलून को फुलाना चालू हो गया है। और अब ये दीदी भी यहाँ पे आई थी। आज बहुत खुशी हो रही है कि हमसे ये दीदी मिलने आई थी इतनी दूर से। तो यहाँ पे भी स्टार्ट कर दिया है। और इधर बच्चे भी खेलने पे लगे हुए हैं। देखो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं वैसे दोस्तों। और देखो ये दीदी भी बैलून फुलाने में लगी है, मदद कर रही है। पारे। और देखो यहाँ पे बच्चे ने समझ लिया जी हमने तुमसे बुलाए। और इधर कविता बैठी हुई है। और उधर हमारी बैठी है सामान उतार के एक बार खिलाऊंगा। तो सभी घर वाले आज देखो हमारी दीदी फिर से गुब्बारा फुला रही है। बहुत खुश है सबके सब। तो गुब्बारे गुब्बारे फूल रहे आज आज फुलाएंगे सबन को। आ गया पापा।
बहन की है छोटी वाली। अरे देखो इसके बगल में कुकर सारे सारे आ जाओ तुम आ जाओ। माटी खानी छोरी है या आज तो मौज हो रही है सगन गई तो अभी तो शाम तक पता नहीं और क्या क्या होता है। तो अब पायल दीदी आई थी तो वो अब जा रही है वापिस। भैया जी ये गाड़ी लेके आए थे और छोटी सी गुड़िया है तो अब जा रहे हैं लोग वापिस। मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हाँ तो ये दीदी को जानते नहीं हो तो चलो बताती हूँ, पायल मीना के नाम से इनका चैनल, तो उनको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों आराम से ज्यादा अच्छे से ना बोलो। तो दीदी बोल रही है कि सपोर्ट करवाना दोस्तों, आप प्लीज जरूर सपोर्ट करिएगा दीदी को क्योंकि बहुत दूर से आई है ये परेशान होती हुई। खेलू के फॉलोवर से जितने में से आधे आधे थोड़े बहुत ही आएंगे आएंगे। दीदी आप भी मेहनत करना ठीक है, आराम से जाना दोनों अच्छे से ले जाना भैया ना आराम आराम से आएंगे ना। तो अब चली गई है पायल दीदी, बहुत अच्छी है वो भी। बाय दोस्तों। देखो इन्होंने तैयारी कर दी है, मैं बाहर चली गई थी उनको खिलाने तो देखो कितनी अच्छे से तैयारी हुई है। हैप्पी बर्थडे पूरा मना दिया आपने, उल्टा लगाया इसको ऐसा। तो देखो ये साज सजावट हाँ, दोस्तों देखो आप तो पूरी तरह तैयारी हो गई है हमारी वीडियो की, बर्थडे की तैयारी हो गई है दोस्तों। घर वाले दोस्तों तैयारी में लगे हुए हैं और इसका अगला पार्ट हम कल डालने वाले हैं क्योंकि अभी वीडियो का टाइम हो गया है, क्योंकि इसमें इतना ही डालने वाले हैं मेरे भाइयों। यस बोल रहा है मम्मी पैसे नहीं है, क्या गिफ्ट दूं मैं आपको। कोई बात नहीं बेटा, तो दोस्तों बताना कि हमारा ये व्लॉग कैसा। दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा हमारे वीडियो पे। तो अगला पार्ट अभी बनाएंगे हम, अभी बनाया नहीं है क्योंकि अभी तो सिर्फ ये साज सजावट की है, तो आगे बनाएंगे अगला पार्ट। तो दोस्तों बताना हमारा व्लॉग कैसा लगा मेरे भाइयों। ठीक है दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अच्छा लगा होगा शायद आप सभी को।